So hey guys, welcome back to a brand new video. And in this video, I'm not going to teach you anything because title और thumbnail में आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे. मुझे T-Tech में जॉब मिल गया. And ये जॉब कैसे मिला, मेरा सैलरी पैकेज कितना है, and बहुत सारा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा. But आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इस वीडियो पे वो सब चीज़ कवर अप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में कवर अप करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे अपना जॉइनिंग किट एंड अपना जो ऑनबोर्डिंग किट होता है वो अनबॉक्सिंग करूँगा. तो जो मेरा ऑफिस है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है, एंड इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो USA में लोकेटेड है. जॉइनिंग किट और ऑनबोर्डिंग किट आया वो पहले USA से गुजरात आया, गुजरात से अहमदाबाद ऑफिस, देन अहमदाबाद से मेरा डिस्ट्रिक्ट में है. सो दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक जर्नी था मेरे लिए. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने में. सो विद रेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. तो गाइज, ये DTDC का जो अंकल है, ये अंकल हम लोग इधर ही रहते हैं तो मेरे को पहचानते हैं. तो ये अंकल को मैंने उठाने नहीं दिया, मैंने खुद उठा के इसको बैठने की जगह पे रखा. फिर इसके ऊपर मैंने जो भी पेपर्स वर्क वगैरह होता है वो मैंने सिग्नेचर वगैरह करके मैंने अंकल को सबमिट कर दिया. सबमिट करने के बाद मैंने ये बॉक्स उठा के जैसे भी करके घर के अंदर लेके आया. तो चलो अभी खोलना स्टार्ट करते हैं अभी बॉक्स को. तो कोई नाइफ वगैरह नहीं मिला था तो किचन से ही लेके आ गया. कहाँ से काटू कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने मिडिल से पूरा लॉन्ग एक कट कर दिया, और इसके अंदर पेपर था तो वो जैसे भी करके मुझे निकालना था. तो जैसे भी करके मैंने ऊपर वाला हिस्सा मतलब फाड़ के उसके बाद मैंने जो पेपर्स होता है वो मैंने निकाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर था और ये सबमिट करना था मुझे. तो ये पेपर्स में बेसिकली क्या होता है, एक पेपर जो था वो मेरा था T-Tech का एड्रेस और मेरा एड्रेस, और एक जो था वो था T-Tech का टर्म्स एंड कंडीशन पेपर. तो वहाँ पे वो स्टैंप लगा था, वो स्टैंप पे मेरा सिग्नेचर करके वो मुझे सबमिट करना था. तो इंपॉर्टेंट था वो मेरे लिए, मैंने वो सब साइड पर रख के फिर जैसे भी करके मैं मिडिल से बॉक्स को काटा. एंड बॉक्स को काटने के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि कौन से साइड से कटने से अंदर का जो भी इक्विपमेंट वगैरह है वो डैमेज नहीं होगा. तो जैसे भी करके मैंने बॉक्स ओपन कर लिया. करने के बाद गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से पैक था तो इसलिए ये काटने से मतलब बहुत दिक्कत आ रहा था थोड़ा. तो ये बहुत अच्छे तरीके से पैक किया था क्योंकि अंदर का जो भी इक्विपमेंट है बहुत मतलब क्या बोलते हैं बहुत प्राइसी है. तो इसीलिए ये मैंने बहुत ध्यान से खोला. एंड खोलने के बाद ये सबसे पहले मुझे जो चीज़ देखने को मिला वो है एक HP ब्रांड का कीबोर्ड, जो एक मैकेनिकल कीबोर्ड है बेसिकली. ये पकड़ के मुझे कीबोर्ड ही लग रहा था तो मैंने इसको अच्छे से काटा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था देख के कि कहाँ से काटने से ठीक से कटा जाएगा एंड अंदर का कोई भी की वगैरह और कोई भी वायर वगैरह ख़राब नहीं होगा. तो मैंने ठीक से इसको काटा, फिर इसको ओपन किया और ये देखो गाइज, ये मेरा कीबोर्ड है और ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, बहुत ही सॉफ्ट कीज़ वगैरह है और HP ब्रांड का एक कीबोर्ड था ये. तो मैंने ये साइड पर रख दिया. ये साइड पर रखने के बाद एक जो एक्सटेंशन कॉर्ड होता है वो एक्सटेंशन कॉर्ड एक मिला, तो ये मैंने खोल के और नहीं दिखाया क्योंकि सबके पास ये होता ही है अभी. इसके बाद जो एक बॉक्स था वो बहुत ही भारी था तो ये बॉक्स मैंने ओपन किया. ओपन करने के बाद ये बॉक्स मैंने खोला. ये बॉक्स के अंदर छोटा छोटा कुछ सामान था, जैसे कि अपना पहले जो मेरा हाथ पे आया वो इथरनेट एक केबल था जो कंप्यूटर का नेट ट्रांजेक्शन के लिए काम में आता है. तो ये मेरा डायरेक्ट ब्रॉडबैंड से डायरेक्ट कंप्यूटर में लग जाएगा. एंड ये एक हेडसेट था जो मीटिंग वगैरह पे ज्वाइन करने में मेरे को मदद मिलेगा ये हेडफोन से. तो ये हेडफोन एक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और हेडसेट भी कंप्यूटर के साथ दे दिया तो बहुत मज़ा आएगा. एंड एक VGA केबल मिला इसके साथ मेरा, और VGA केबल के बाद मेरे हाथ में एक HP का ऑफिशियल माउस जो बहुत ही सॉफ्ट था पकड़ने में और वायर वगैरह. उसके बाद एक 1080p का HD वेबकैम मिला जो मीटिंग, गूगल मीटिंग या फिर कोई भी अगर मीटिंग होगा तब मेरे को ज़रूरत होगा इसका. इसके बाद ये जो बॉक्स था ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा भारी था, मुझे नहीं पता चला था कि इसके अंदर क्या है. सो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर CPU होना चाहिए, बट इसको खोलते हैं. और ये बहुत अच्छे तरीके से पैक हुआ था, बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे चाकू से भी ये कट नहीं रहा था, इतना अच्छे से ये पैक था. तो 2-3 फोम का इसका वायर था, फोम को वायरिंग करके फिर बहुत अच्छे से इसका वायरिंग किया हुआ था. तो मैंने बहुत कोशिश के बाद ये जो अपना बॉक्स है वो मैं खोल पाया. बहुत साइड से काटने के बाद फिर ये एक्चुअल मेरे को पता चला कि कौन से साइड से कटने से खुलेगा. फिर मैंने ओपन किया. तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो था ये एक क्लाउड CPU है जिसका नाम है, ये HP ब्रांड का है ये भी, और पूरा सेटअप मेरा HP ब्रांड का ही है. तो ये HP का एक प्रो डेस्क है जिसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो.
तो इसके बाद मेरा मॉनिटर मुझे मिला, दो मॉनिटर मुझे मिला। बेसिकली ये लोग का दो मॉनिटर पॉलिसी के हिसाब से देता है ये लोग, मैं नहीं बता सकता कि पॉलिसी क्या है, तो पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा तो मैं वीडियो पे शेयर नहीं कर सकता। बट ये हाँ, ये लोग दो मॉनिटर भिजवाता है। तो स्टैंड वगैरह मुझे मिला, स्टैंड वगैरह देख सकते हो गाइस कि ये जो नॉर्मल स्लाइड एकदम स्लिम मॉनिटर था, और दोनों मॉनिटर सेम ब्रांड का सेम सेटअप था और स्टैंड भी सेम था। तो अभी मैं मॉनिटर निकाल लिया, मॉनिटर निकालने के बाद ये भी HP ब्रांड का था। तो अब देख सकते हो ये मॉनिटर जैसे ही मैं बाहर निकाला तो ये मॉनिटर 21 इंच का था और बहुत ही स्लिम था गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्लिम था और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले था इसका। तो मैंने डिस्प्ले ओपन तो नहीं किया अभी क्योंकि स्क्रैच वगैरह लग जाता, तो मतलब मैं ज़मीन पे बैठ के ये सब कुछ ओपन कर रहा था तो स्क्रैच लग जाता, इसलिए मैं डिस्प्ले ओपन नहीं किया। बट दोनों ही चीज़ सेम था जैसे मॉनिटर वगैरह। तो गाइस इसको भी मैंने निकाल लिया, इसको निकालने के बाद मैं पूरा डेस्क अपना जो है सेटअप करता हूँ, सेटअप करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। गाइस तो वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था वो आप लोगों के साथ अनबॉक्स करने में। एक छोटा सा गिफ्ट या फिर एक छोटा सा चीयर्स आप लोगों से मैं मांगना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है एंड अगर आप मेरे सक्सेस पे एक छोटा सा चीयर्स करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक और नया वीडियो पे एक नया टॉपिक के साथ। इस वीडियो के बहुत ज़्यादा शेयर करो एंड बहुत ज़्यादा दोस्तों को दिखाओ, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टॉप मोस्ट कंपनी तो TTEC भी गूगल पे टॉप वर्ल्ड मोस्ट कंपनी में आता है। सो दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।